नमस्कार, स्वागत है आपका HR71 में। विधानसभा चुनाव जो है चरम सीमा पर हैं और आज अलग अलग विधानसभा का दौरा करते आज पहुंचे हैं यमुनानगर में। और यमुनानगर में मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे जो सीनियर सिटीजन थे वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में थे और उनसे मैं पूछना चाहता था कि क्या कुछ उनके थिंकिंग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और इन सबको, आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर डेली आते हैं और इनका अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। सबसे पहले मैं सरदार जी से शुरुआत करूँ। सत श्री अकाल जी। विधानसभा चुनाव आ रहे ने, तो यमुनानगर में किसका ज्यादा जोर है, क्या कुछ कह सकते हैं आप? अभी पता नहीं लगता है किसके, अपना दिलबाग या घनश्याम जी बराबर चल रहे हैं। बराबर चल रहे हैं, हाँ जी। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल है घनश्याम जी जीतेंगे। हाँ जी, इस टाइम नेक टू नेक है इसका, दिलबाग सिंह का पलड़ा भारी, फिर भी एक की नेक ऊपर होगी थोड़ी सी। हाँ, दिलबाग सिंह का पलड़ा भारी, दिलबाग की नेक ऊपर है। हाँ जी, ले जाएगा अपना बीजेपी का जोड़ा घनश्याम ला जाएगा, बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ मोदी। एंड लहर मोदी चल रही है तो इस करके ना वो करे या कोई भी ना करे, लेकिन लहर दीजिए सारे, कोई भी नहीं जाएगा, सारे लहर के नाल ही जाएंगे। अच्छा, लहर है तो अभी भी लहर जो है ना, जो भी मानता है वो मोदी को मानता है। अच्छा जी, दैट्स ऑल, मतलब बाकी इंडिविजुअल को कोई नहीं मान रहा। मोदी जी की वजह से घनश्याम जी निकाल देंगे। और अगर बात करें घनश्याम जी के विकास कार्यों का, क्या कुछ किया कि नहीं, उसको छोड़ दो, मतलब विकास कार्य नहीं है पर लहर में बह जाएंगे। जो उन्होंने किया, थोड़ा बहुत जो किया है वो सामने नजर आता है। अच्छा जी, जो देखो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आज से जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, जितनी भी पार्टीज आई हैं, किसी ने यमुनानगर के बारे में सोच नहीं थी, नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन जिस वक्त से ये पार्टी आई है, ये आए हैं, इन्होंने यमुनानगर की कायाकल्प को पलट दिया है, क्योंकि सड़कें बना दी हैं और भी डेवलपमेंट उन्होंने किया है। हब जो है सोने सिटी एजुकेशन हब इन्होंने बनाया है, ये जो है इसमें पर विकास तो आ ही रहा है उनका, मतलब हो रहा है विकास, विकास तो हो ही रहा है। अभी भी हमारे तो सड़कें बन रही हैं, अभी बन रही हैं। हाँ, ये इलेक्शनों के दौरान ही बनती हैं कि हमेशा भी बनती है? देखो पैसा पहले आया नहीं, नेशनल हाईवे जो अपना बनाया है उसके लिए कितनी, हाईवे की बात ना करके अगर हम इंटरनल की बात करें, शहर में रहने वाले सुनने में आया था कि पहले मॉल टाउन में अंदर सड़कें टूटी फूटी पड़ी थी ना, वो भी उन्होंने बनाई है। सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्रियल में जाके देखो सड़कों का हाल। अच्छा, बढ़िया है? बहुत बढ़िया है, पूरा बाईपास एकदम सब टूटी पड़ी है, एकदम सारी टूटी पड़ी है इंडस्ट्रियल में, कोई पैदल भी नहीं निकल सकता, पैदल भी नहीं निकल सकता। बाबूजी तो कह रहे हैं विकास, बाबूजी को क्या पता, बाबूजी मेरे साथ चले वहां पे, बाबूजी आगे चलते हैं। 5 साल तो बाद विच हुन बनिया सड़क आन के लास्ट, ऐसा कि टक्कर बराबर दिया, चाहे दिलबाग सिंह जीतेगा चाहे नहीं, तो एक को आगे बताओ थोड़ा, तो दिलबाग सिंह को, दिलबाग सिंह। हाँ जी सर, आप क्या कहना? अभी दोनों का बराबर का ही है वैसे, मतलब तीसरा कोई नहीं है कांग्रेस या कोई और? नहीं नहीं, और नहीं, बस वो दोनों के बीच में ही है। अच्छा, विकास तो हुआ है मगर ये है कि वो दिलबाग जी को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, पहले तो इनेलो पार्टी के थे। दिलबाग सिंह जी भी अच्छे नेता हैं, अच्छा काम कराया, पहले उन्होंने अच्छा काम कराया है, तो लोग दिलबाग जी के कारों को याद करके उनको याद कर रहे हैं। हाँ, वो यही है, याद आ रही है बीजेपी में, वो ये है दिलबाग सिंह जी की, ये हर एक के साथ मिलके चलते हैं। अगर आप इनके पास गए हैं, इन्होंने कभी रिफ्यूज नहीं किया कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा जी, चलिए आगे बात करें। सरदारी सत श्रीकाल जी, नो कमेंट्स। हाँ जी, ये क्या तीनों अलग ही कोई पार्टी है क्या आप लोगों की? पर कोई सर्विस करते हैं आप लोग? नहीं नहीं, आप भी? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स का छड़ी लगी आगे। एक मिनट, आप वोट तो डालोगे ना? थले करो ये गल्ला, सारे नु चोर कहना, सारे नु डाकू, उन्हां दे मगर 15 पैसे पहले लगदे सीगे, उत्तों उन्हां दे बारे 20 पैसे लगदे आ, बाकी 80 ये खा जांदे आ, 85 ओ खा जांदे जी। तो ये बात आप इसमें बोल दो ना, ना ना तो सब चोर है। हां जी, नो कमेंट। हां जी, अब तो नो कमेंट्स चल गया आगे, सारे कोई कमेंट्स का जवाब ही नहीं दे रहा। प्रधान बड़ा सख्त है ना, इस करके कोई जवाब। अच्छा, प्रधान जी कौन है आपके इधर से? आ नहीं रहे ना, और बीजेपी से मगर मगर घूम रहे हैं। अच्छा, तो आप इसका मतलब एंटी बीजेपी लग रहे हैं मुझे? नहीं नहीं, हम करा सको जी जी, कमेंट ता करिए जे तुसी कुछ करा सको। नहीं देखिए देखिए, दिस इज नॉट अ टीवी चैनल, दिस इज नॉट एन ड्रामा, कुछ नहीं होना, नहीं कुछ नहीं तुसी कर सकदे। अरे सर, आपकी वीडियो कोई तो देखेगा। आई शुड वी एक्सपोज, असी क्यों एक्सपोज होई है? Somebody will see your video and they will change that. No comments. Thank you. थोड़ी अथॉरिटी को नहीं, कुछ कमेंट्स नहीं। Okay. We don't have any थोड़ी। हाँ जी। हमने आज से 1.5 साल पहले ये कहा था कि ये रोड जो है ना सामने वाली, इस पर बड़ी व्हीकल जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, उसको डिवाइडर लगाएं, मतलब डिवाइड करें, डिवाइडर तो लग गए, सड़क पूरी कर दे। कहाँ, यहाँ पे, ये सामने इंटरनल में
सामने नेहरू पार्क के सामने यहाँ रश रश देखा यहाँ पे आज करवा चौथ रश कम है अदरवाइज बहुत रश होता है तो क्रॉस करना पड़ा बुजुर्ग जो है कहीं वो एक्सीडेंट में गिर चुके एक्सीडेंट हो चुके हैं पहले एक्सीडेंट हो चुके हैं हाँ वो कई बार कह चुके हैं इनको भाई वो छोटा सा काम है ये स्पीड ब्रेकर यहाँ पे नजदीक ही है एमएलए साहब की कोठी भी है हाँ जी चलिए आगे बात कर दसो जी वोट कि बीजेपी बीजेपी ही क्यों अलग पार्टी क्यों नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद तो है पर क्यों रामदास ने बड़ा काम किया शहर वहाँ पे कह रहे हैं कि इंडस्ट्री एरिया में अपने अपने आपका भी जरूरी मेरा व्यूज है बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जी देखो जी दोनों का कंपटीशन है जी बीजेपी और नेलो बराबरी टक्कर है तो बीजेपी के 5 साल रहे हैं कैसे रहे हैं बहुत अच्छा काम किया हाईवे बना रहे सब कुछ बना रहे पर ये सड़कें मार रही है ना कुछ चक्कर ही तो दिलबाग जी का भी जो रोड़ा पड़ा हुआ बराबर टक्कर है बराबर हाँ तो क्या लगता है कौन निकाल पाएंगे सीट तो टाइम बताएगा ना जी कौन किसको ज्यादा पड़ती है बराबर टक्कर है उन्होंने ठीक है कांग्रेस कहीं भी टक्कर में नहीं है कांग्रेस कहीं भी कांग्रेस अन्य पार्टी कोई भी नहीं ना ना सिर्फ नेलो और बीजेपी नेलो बीजेपी हाँ जी सर आप क्या नो कमेंट नो कमेंट जी बस नो आप तो बता दीजिए आप तो सबसे अलग हो बीजेपी बीजेपी पसंद क्यों है क्या कारण है सारे काम करती है कर्मचारियों खुश रखती है आप भी सर्विस रिटायर्ड है हाँ मेरे बच्चे हैं ठीक है तो अभी पहुँचे थे यमुनानगर हाँ जी मैं चिकेड़ा AHR कतर तो अभी पहुँचे थे यमुनानगर में यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने अपने विचार दिए किसी ने नो कमेंट्स दिए किसी ने कुछ कहा लेकिन किसी ने कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बात करने के लिए तो आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं क्या कुछ वो कहना चाहते हैं कुछ लोगों ने कहा आपको अथॉरिटी नहीं है अथॉरिटी है भाई पूरी है तो सरदार जी हैं हमारे साथ हाँ जी कुछ कहना चाहोगे मैं भी कुछ कह सकता कैमरा देख के मैडम आप कुछ बोल सकते हैं विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो अब की बार आपको क्या लगता है अब यमुनानगर से जगाधरी से यमुनानगर तो क्या लगता है अब की बार कौन निकालेगा सीट यहाँ पे टक्कर किसकी हो रही है पता नहीं वोट डालोगे डालेंगे किसको डालोगे ये आपकी गोपनीयता फिर भी बताना चाहता हूँ माहौल किसका है यहाँ पर नहीं कुछ नहीं पता ये तो बता सकते हो कि 5 साल में विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए बीजेपी के राज में नहीं हुए नहीं हुए तो वोट नॉट फॉर बीजेपी होगा पता नहीं कुछ थैंक यू मैम तो हमारे साथ युवा है भाई भाई राम राम क्या हाल चाल है बढ़िया बढ़िया सर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं यमुनानगर से ही होंगे आप जगाधरी से चलिए जगाधरी से ही बता दीजिए किसकी टक्कर चल रही है बीजेपी आदर्श पाल का भी सुनने में आ रहा काफी हुआ है नहीं बीजेपी मेरा बीजेपी है कंवरपाल जी ने क्या कुछ जो काम करवाए हैं क्या लगता है सीट वगैरह निकल पाएगी या काम सही निकल पाएगी 100% निकल पाएगी बीजेपी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर अंकल जी बचे हैं इनसे बात कर लेते अंकल जी देखिए कितना मस्त झूले पे झूल रहे हैं अंकल जी क्या हाल चाल है बढ़िया जी बढ़िया अगर बात करें विधानसभा चुनावों की तो अब की बार यमुनानगर से जगाधरी से यमुनानगर से तो अब की बार कौन बनने जा रहा है विधायक यहाँ से यमुनानगर किसको बना रहा है विधायक दिलबाग दिलबाग घनश्याम जी में क्या कमी रह गई कोई अपनी अपनी राय है अच्छा जी अब की बार हवा जो है दिलबाग की है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी ये यमुनानगर में जो देख रहे हैं दिलबाग जी का भी काफ़ी वर्चस्व है और साथ में घनश्याम अरोड़ा जी हैं मौजूदा विधायक हैं यहाँ से कुछ ही दूर पर उनकी आज लकी यहाँ से बेटा सॉरी यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनकी जो है यहाँ पर कोठी है यमुनानगर के विधायक हैं दिलबाग सिंह जी 5 साल उनके कैसे रहे लोगों ने अपना अपना विचार दिया आप देख रहे थे लाइव इस वक्त मैं मौजूद था नेहरू पार्क में और लोगों ने अपने अपने विचार दिए ये आप देख सकते हैं कि मैं नेहरू पार्क से बाहर निकल रहा हूँ और आगे जो है आगे की विधानसभा का जो सर्वे है वो बहुत जल्द करेंगे तब तक के लिए ये देखिए पीछे एक कौन सी पार्टी है ये विधायक प्रत्याशी ये पार्टी कौन सी है अरे आपका मोहन आएगा मेरा प्यारा मोहन आएगा तो ये पार्टी कौन सी है ये आजाद तो लिखा ही नहीं कहीं भी विधायक प्रत्याशी सम्मी मोहन कपूर चलो बजाओ नहीं डालो वोट तो ये यमुनानगर मैं पहुंचा था विशेष तौर पर ये देख सकते हैं पीछे वुडलैंड का शोरूम लोग यहाँ पर थे कैसा लोगों ने रिस्पांस दिया भाई हड़ैन से पूछ लेते हैं भाई राम राम जी क्या हाल है बहुत बढ़िया सर यमुनानगर से हो कहाँ से हो यमुनानगर से है अब की बार किसकी सरकार होगी की बार बीजेपी चेंज होनी चाहिए जो मर्जी टक्कर है अभी की बार दिलबाग जी का नाम सुनने में टक्कर में है हाँ दिलबाग की काफ़ी अच्छी है यहाँ पर देखा है आप क्या कहना चाहते हैं भाई दिलबाग सिंह पक्का है 100% तो भाजपा के विधायक है घनश्याम जी इनमें कहाँ कमी रह गई इसलिए सर एक तो यमुनानगर में कुछ काम ही नहीं कराया बिल्कुल भी कहीं भी जाके देख लो वही गंदगी वही सड़कों का भी बुरा हाल वही दिलबाग जी सीट निकालेंगे हाँ पक्का 100% चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए तो ये था विधानसभा चुनावों का सर्वे पहुँचे थे यमुनानगर
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल को देखने के लिए। मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे HR71 News से, फ़ोन करें और आप लाइक कर सकते हैं हमारा पेज। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाएं ताकि आपको अगले अपडेट्स की वीडियो जल्दी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।